नमस्कार दोस्तों, व्रत का अभ्यास करते हुए पिछले वीडियो में मैंने आपको 13 प्रश्न बता दिए हैं और बचे हुए प्रश्न हम लोग आज की क्लास में पूरे करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग सीधे अभ्यास पर आते हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न करने से पहले या आज का वीडियो देखने से पहले व्रत पर 3 वीडियो मैंने पहले बनाए हैं, तो उनका अध्ययन जरूर कीजिएगा, तब जाकर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न करते हैं हम लोग। 14th नंबर क्वेश्चन करेंगे हम, 14 नंबर प्रश्न करने जा रहे हैं। देखिएगा, ये कह रहा है चार व्रत हैं, चार व्रत हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या ए यूनिट है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या ए यूनिट है, ये सब एक दूसरे को, ये सब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं तो उनके द्वारा घेरे गए, उनके द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा? 14th नंबर क्वेश्चन है, आराम से आप सुनते जाइएगा, हर एक तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। इसने बोला चार वृत्त हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या ए यूनिट है और ये सब एक दूसरे को छूते हैं। तो आप सब बताइए मुझे कि चार वृत्त अगर एक दूसरे को छूते हैं तो क्या ऐसा चित्र बना देता हूं मैं? ये चार वृत्त एक दूसरे को छू रहे हैं और अब इसने कहा है कि इनके, इन चारों वृत्तों में से प्रत्येक की त्रिज्या ए यूनिट है और इनके द्वारा जो ये क्षेत्र घेरा गया है इसका एरिया आपसे पूछा गया है। बेटा ये वाला एरिया आप लोगों को बताना है, इनके द्वारा घेरा गया भाग। तो कैसे करें? सबसे पहले हमें इनके केंद्र देख लेने चाहिए, इनके केंद्र देख लेने चाहिए। इनका केंद्र हो गया ए बी सी और डी। यदि मैं इन चारों केंद्रों को मिला देता हूं, ऐसा मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है, अगर मैं इन चारों केंद्रों को मिला देता हूं तो आप पाएंगे कि ये एक वर्ग बन रहा है, ये एक वर्ग बन रहा है। चूंकि प्रत्येक की त्रिज्या a है तो ये a हो गया और ये भी a हो गया, तो ऐसे करके इस वर्ग की भुजा 2a हो गई। इस तरफ भी ऐसा ही हो गया, इस तरफ भी ऐसा ही हो गया, समझ रहे हैं आप? और इस वर्ग में से आप वर्ग देख पा रहे होंगे, इस वर्ग में से अगर मैं ये सेक्टर निकाल दूं, अगर ये सेक्टर, सेक्टर दिख रहा होगा आपको, त्रिज्याखंड, अगर मैं ये त्रिज्याखंड निकाल देता हूं, आप बताइए मुझे, अगर इस वर्ग में से मैं ये त्रिज्याखंड निकाल दूं तो क्या मेरे पास ये छायांकित भाग बच जाएगा क्या? ये जो रेड में मैंने दिखा रखा है ये बच जाएगा क्या? यही उसने पूछा है। तो आप बोलेंगे कि सर हमें करना क्या है, हमें करना है वर्ग में से सेक्टर्स जो हैं वो निकाल देने हैं। तो सेक्टर्स भी कितने हैं हमारे पास? चार हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये चारों सेक्टर मिलकर, 1, 2, 3 और 4, ये चारों सेक्टर मिलकर, चूंकि ये चतुर्भुज के चारों सेक्टर हैं, चतुर्भुज के शीर्ष ऊपर बनने वाले सेक्टर हैं, तो क्या यहां थीटा जो होंगे उनका योग 360 डिग्री हो जाएगा क्या? और मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि चतुर्भुज के शीर्षों पर अगर आप सेक्टर बनाओगे तो एक पूरे वृत्त का निर्माण होगा, और अगर त्रिभुज पर बनाओगे तो आधे वृत्त का निर्माण होगा। तो क्या ये चारों मिलकर एक वृत्त बना लेंगे क्या? बिल्कुल बना लेंगे। तो ये जो सेक्टर था, वर्ग में से मैं बोल रहा हूं कि वृत्त को घटाना है, एक वृत्त हो गया ना, ये चारों सेक्टर मिलकर एक वृत्त हो गए, तो वर्ग में से हम लोगों को वृत्त को घटाना है। तो बेटा अब आप बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा ही स्क्वायर होता है, तो इस वर्ग की भुजा हो गई 2a, 2a, 2a का स्क्वायर
माइनस वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई, और इसकी त्रिज्या ए है तो पाई ए स्क्वायर। पता लग रहा होगा आप लोगों को मैंने क्या कहा। तो बेटा ये क्या हो गया, या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूं कि फोर ए स्क्वायर इसका वर्ग कर दिया माइनस पाई ए स्क्वायर तो क्या हो गया, या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिया और फोर माइनस पाई, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो एक बार वापस मेरी बात सुन लीजिए। इसने कहा चार वृत्त हैं, चार वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो उनके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, चारों वृत्त के केंद्र मिला दिए। केंद्र मिलाने से मुझे पता लगा ये त्रिज्या है तो ए हुई, और ये भी त्रिज्या है तो ए हुई, तो ये वाली भुजा दो ए हो गई। ऐसे ये दो ए, दो ए और दो ए, तो यहां से मुझे ये पता लग गया कि ये तो एक वर्ग बन रहा है। फिर मैंने ये विचार किया कि अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों सेक्टर निकाल दूं, तो वर्ग में से अगर मैं चारों सेक्टर निकाल दूं तो मेरे पास ये जो रेड में मैंने दिखाया है ये वाला भाग आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि चतुर्भुज के चारों सेक्टर है ये, तो ये चारों मिलकर एक पूरे वृत्त का निर्माण करेंगे। तो फिर मैंने बोल दिया वर्ग में से वृत्त निकालना है, वर्ग की भुजा दो ए है तो दो ए का स्क्वायर, और माइनस इसकी त्रिज्या ए है तो पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने पाई ए स्क्वायर लिख दिया, और इसको हल किया तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। लीजिए 14th नंबर क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है, आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ठीक है, 15 नंबर करते हैं। कह रहे हैं 42 सेंटीमीटर भुजा वाले, 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल करें, क्षेत्रफल करें। ठीक है, अभी कर देते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना बस। आप तो इसने बोला 42 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, 42 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, और फिर आपको बोल रहा है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा तो क्या ये बनेगा क्या। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा उसको मैं बोलूंगा इसका अंतर्वृत्त, किसी त्रिभुज के अंदर बन सकने वाला बड़े से बड़ा वृत्त उस त्रिभुज का अंतर्वृत्त होता है, तो इसको यहां से मैं बोलूंगा अंतर्वृत्त। अब क्या आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बेटा समबाहु त्रिभुज के वीडियो में समबाहु त्रिभुज देखिएगा, हालांकि मैं यहां भी बता देता हूं, पर समबाहु त्रिभुज में आप ध्यान रखिएगा क्या कि अंतर्त्रिज्या, परित्रिज्या, ऊंचाई और भुजा, इनका अनुपात होता है 1:2:3:2:3। समबाहु त्रिभुज का फिक्स नियम है ये कि कोई भी समबाहु त्रिभुज कभी हुआ तो उसकी त्रिज्या अंतर्त्रिज्या, फिर परित्रिज्या इसको बोल रहा हूं मैं, फिर ऊंचाई इसको बोल रहा हूं, और भुजा, इनका अनुपात 1:2:3:2:3 होता है। ये समबाहु त्रिभुज में मैंने अच्छे से समझा भी दिया है। अब इसने बोला कि इसकी भुजा तो 42 सेंटीमीटर है, हमें तो अंतर्वृत्त चाहिए ना, ये और ये, इन दोनों से देखना है, भुजा से हमें अंतर्त्रिज्या निकालनी है ताकि इसका क्षेत्रफल निकाल ले। इन दोनों का कोई काम नहीं है, ना तो इसमें ऊंचाई की जरूरत है और ना ही इसमें परित्रिज्या की जरूरत है। तो इसने बोला 42 सेंटीमीटर भुजा है तो क्या ये 42 हो गई क्या, और अगर ये 42 हो गई तो ये आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्यों करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि 42 आर बराबर हो गया, 42 को एक से गुणा करेंगे तो 42 और बटा 2√3, तो ये आप लोगों की त्रिज्या हो गई। अब इसने बोला इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो बेटा इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है क्या, बताइए क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है क्या। तो पाई के लिए तो मैं लिखूंगा 22/7, और आर स्क्वायर के लिए आर मैंने निकाल लिया तो इसको दो बार लिख दूंगा, आर स्क्वायर लिखना है ना, तो 42/2√3 और गुणा 42/2√3। ठीक है, सारे तथ्य मैंने आप लोगों के सामने रख दिए,
अब इसको और आगे हल करेंगे तो मैं बोलूंगा 7 से इसको काट दिया तो ये आ गया 6, 2 से इसको काट दिया तो आ गया 3, और 3 से ये 3 खत्म हो गया, और 2 से इसको काट दिया तो ये आ गया 21। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे काटकर, कहीं कुछ गलत नहीं लिख दिया हो। तो 21 को जब आप 22 से गुणा करेंगे तो 42, 42, 2, 6, 4, 462, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों के वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब बेटा एक बार वापस समझ लो क्या बात है। इसने बोला 42 सेंटीमीटर भुजा है तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा उसका एरिया निकालो। तो मैंने कहा इसके अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा उसको हम स्मॉल आर से बताते हैं। तो आर अंतर त्रिज्या, परित्रिज्या, ऊंचाई और भुजा, इनका अनुपात होता है 1:2:3:2:3। अब भुजा दे रखी है तो यहां लिख लिया, ये ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क लिख लिया, 42/2:3 ये तो त्रिज्या आ गई। तो अब आपका प्रश्न बहुत सरल हो गया, ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 42/2:3 है। तो सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 42/2:3 गुणा 42/2:3। तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 7 से 42 को काटा तो 6 बार काट दिया, 2 से 6 को काटा तो 3 बार काट दिया, √3 √3, 3 से 3 पूरा कट गया, 2 से 42 को काटा तो 21 आ गया, 21 को 22 से गुणा करेंगे तो 462 आ गया। तो सही विचार है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ गया। दो बार मैंने आपको यह समझा दिया है, ठीक से देखना, समझने का प्रयास करना। अब हम लोग चलते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पर, 16वां प्रश्न करने जा रहे हैं, ध्यान लगाइए। 16 कहा गया कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेमी है, 38.5 वर्ग सेमी है तो उसकी परिधि क्या है, तो उसकी परिधि क्या है, यह आपका अगला क्वेश्चन है। तो बेटा पहले मैं एक बार गणित में लिख देता हूं क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। तो इसने वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहां से मैं बोलना चाहूंगा बेटा जी पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 है, ठीक है, और परिधि पूछ रहा है तो 2πr बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहां आपके पास क्या नहीं है, 2 है, 22/7 है, तो ये निकालने के लिए आपको r चाहिए ना, तो r आप यहां से निकाल सकते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। तो बेटा r स्क्वायर बराबर चेक कर लेते हैं 385/10, और ये यहां आ गया तो 22 और 7 ऊपर, ठीक है, पाई लिख दिया मैंने नीचे तो 22/7 आराम से करते हैं, आराम से करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 है तो आर स्क्वायर बराबर 38.5/पाई हो गया ना, तो पाई का मतलब 22/7 ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 0 आ गया, ओके। अब इसको हम लोग 11 से काट देते हैं, 11 से काट देते हैं, 11 3 33, 5 हो गए, 35 बार कट गया, और इसको जब आप 11 से काटोगे, इसको जब आप 11 से काटोगे तो 20 आ गया, 5 से काट दिया तो ये 7 आ गया और ये 4 आ गया। तो r स्क्वायर बराबर हो गया 7/7/4, तो r बराबर क्या हो गया बेटा, वर्गमूल कर देते हैं 7/2, तो 3.5, तो ये तो आपका r हो गया, और ये r आप यहां रखोगे जब 3.5, पॉइंट हटा देता हूं 10 आ जाएगा, तो 7 5 35, ये 2, 2 से 2 खत्म, तो क्या परिधि कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। आराम से देखना, सरल प्रश्न है, आपको क्षेत्रफल दे रखा है और फिर आपसे परिधि पूछी जा रही है, तो क्षेत्रफल से आप त्रिज्या का मान निकालेंगे 3.5 आ गया, और उसको परिधि में रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो सरल प्रश्न है 16वां। 17वें प्रश्न की बात करते हैं, एक बार हम लोग मेंसुरेशन पूरा कर लें,
फिर हम लोग गणित की दूसरी शाखाओं की तरफ भी चलेंगे, पर अब मैं इसको बीच में नहीं छोड़ने वाला, क्रम से हम एक एक करके तथ्य पढ़ते जाएंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा जोरदार प्रश्न आया है, आराम से समझना है इसको। इसने बोला यदि वृत्त की त्रिज्या को एक सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बाईस सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो आरंभिक त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, अब आराम से आप मेरी बात सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है। देख लेते हैं कि ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है। आराम से मेरी बात सुनना, मैं समझाना भी चाहता हूं, रटवाने की बात नहीं है। इसने बोला वृत्त की त्रिज्या को एक सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो बेटा ये जो त्रिज्या थी इसको यदि मैं एक सेंटीमीटर बढ़ा दूंगा तो ये नया वृत्त बन जाएगा, ये एक सेंटीमीटर है। पता लग रहा है मैंने क्या बोला? इसने बोला कि एक वृत्त की त्रिज्या कोई भी थी उसको एक सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया, तो इसका पुराना क्षेत्रफल तो बेटा ये है जो इसके अंदर है, ये तो इसका पुराना क्षेत्रफल है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? और 22 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कौन सा हुआ? ये वाला क्षेत्रफल इतना जो बढ़ गया वो, तो यही तो बढ़ा है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये एरिया 22 सेंटीमीटर है। तो आप इस एरिया को पहचान रहे हो क्या? ये जो रेड में मैंने दिखाया, क्या ये वलय नहीं है? मुझे बताइए, तो वलय के क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों ने क्या बात कर रखी है? स्मॉल आर तो आपके पास है ही, एक कैपिटल आर भी आपके पास होनी चाहिए। तो फिर वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो मैं बताता हूं, मैंने आपको बता रखा है पाई, दोनों त्रिज्याओं को जोड़िए, दोनों त्रिज्याओं को घटाइए। ये वाला प्रश्न कभी भी आए ना, तो वलय से कर लीजिए भाई, एक सेंटीमीटर तो इसकी मोटाई है और 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, तो पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर, ये तो वलय का क्षेत्रफल हो गया। मतलब बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त घटाने पर ये प्राप्त हो गया, जो कितना होता है 22। ये सूत्र मैंने आप लोगों को पहले की क्लास में समझा रखा है। अब आप जानते हैं कि आर जो है ना, आर या इसको भी मैं आर बोल दूं, तो आर कितना है? स्मॉल आर प्लस वन है, तो जहां भी आर लिख रहा है वहां मैं 22/7, इसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल आर प्लस वन प्लस आर, फिर इसको लिख रहा हूं स्मॉल आर प्लस वन माइनस आर बराबर 22। क्या किया बेटा मैंने? कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर प्लस वन मैंने रख दिया है, पता लग रहा होगा आपको। तो यहां से अब मैं इसको बोलूंगा 22/7, ये हो गया 2R, R और R प्लस 1, और इसमें R से R खत्म हो गया तो 1 बराबर 22, 22 से 22 खत्म हो गया, और ये 7 भी यहां से कटकर यहां आ गया, 1 खत्म हो गया। अब ये हो गया 2R प्लस 1 इज 7 एंड 2R इज 6 देन R इज 3। तो आप बोलेंगे पहले वाली त्रिज्या की लंबाई 3 थी, और अगर ये बाद वाली त्रिज्या की लंबाई भी पूछता तो 3 और 1 बटा दी तो 4 हो गई। ऐसे करके आप इन दोनों प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है। आइए अब हम लोग 18वें प्रश्न पर चलेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से समझना फिर इसे। तो 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो, 144 मीटर हो,
तो उस क्षेत्र का व्यास क्या होगा? जैसे ये मेरा प्रश्न है, ठीक है, अर्धवृत्त के बारे में। वृत्त जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले हम लोगों ने अर्धवृत्त के बारे में ही बात की थी, तो मैं याद दिलवा देता हूं थोड़ा सा आपको। अर्धवृत्त जो होता है बेटा, अर्धवृत्त जो होता है उसमें पाई आर तो होता ही है, प्लस ये आर और आर 2 आर और होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप पहले मैं गणित में लिख देता हूं, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप होता है पाई आर, मतलब 2 पाई आर का तो आधा। तो ये बेटा ये तो 2 पाई आर का आधा हो गया, 2 पाई आर का तो आधा प्लस 2 आर, प्लस 2 आर बराबर 144 दे रखा है। तो बेटा यहां से अगर हम लोग आगे हल करना चाहें तो मैं बोलूंगा कि आर कॉमन ले लिया मैंने, आर कॉमन ले लिया, तो यहां 22/7 प्लस 2 बच गया, गया बराबर 144 हो गया। अब इसको और आगे हल करेंगे तो 7 × 2 = 14 है, तो आर बराबर हो गया 36/7, माफ, आर गुणा 36/7 बराबर 144। और ये 36/7 जब यहां से उठेगा इधर आएगा तो क्या ये 7/36 हो जाएगा? तो 36 × 144, तो आर बराबर आ गया 28 सेंटीमीटर त्रिज्या। पर इसने पूछा है व्यास, तो जिसकी त्रिज्या 28 है बेटा उसका व्यास कितना हो गया? 56 सेंटीमीटर। दोबारा समझा देता हूं, इसने बोला किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास निकालना है। तो अर्धवृत्त जो होता है उसका परिमाप पाई आर प्लस 2 आर होता है, तो आर मैंने कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 2 बच गया, इसका परिणाम 36/7 होता है, यह उधर जाकर 7/36 हो जाएगा। तो यहां से आर का वैल्यू आ गया और 2 आर का वैल्यू निकालेंगे या व्यास निकालेंगे तो उसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 पर चलने की बारी है, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, यह भी अच्छा प्रश्न है। 6 मीटर त्रिज्या वाले, 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले, बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का, सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, क्या क्वेश्चन है समझ लीजिए। इसने बोला 6 मीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या इन्होंने बताई कि 6 है। अब अगर इसके अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो बेटा एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब मैंने आपको वृत्त पढ़ाया तो उसका सबसे लास्ट कंसेप्ट यही है, अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाला सबसे बड़ा त्रिभुज। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, याद करिए वहां मैंने आपको क्या बताया, जिन्होंने देखा है वीडियो, मैंने ये बताया कि इसमें जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा वो ये बनेगा जिसकी ऊंचाई भी आर होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि इसके अलावा जितने भी ऊंचाइयां होंगी वो इससे कम होंगी, इससे कम होंगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम होगा। तो बस यही कहना चाह रहा हूं, अर्धवृत्त में जो भी सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा उसकी ऊंचाई भी आर ही होगी। अब आप मुझे बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल करना है आपको तो यही एरिया तो बताना है बस। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 × आधार, तो आधार बेटा इसका व्यास है तो व्यास को मैं 2 आर लिख देता हूं, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई आर हो गई, 2 से 2 कट गया, तो क्या आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है क्या? और आर का वैल्यू 6 है तो क्या 36 सेंटीमीटर² इस अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है? ठीक है, आराम से देखना, सरल और अच्छा प्रश्न है। तो 20वें प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। बीसवां प्रश्न है,
ये कह रहे हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त के व्यास तथा वर्ग के विकर्ण का अनुपात ज्ञात करें। यह भी अच्छा प्रश्न है, देखें आप अनुपात ज्ञात करें। देखिए, इसने बोला एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका मतलब यह कहना चाह रहा है ये जो वृत्त है और ये जो वर्ग है इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इसकी त्रिज्या को तो मैं बोला करता हूं आर, और इसकी भुजा को मैं बोला करता हूं ए, और ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये बात समझ में आ गई है आपको? इन दोनों का एरिया बराबर है, इन दोनों का एरिया बराबर है, और ये कह रहा है वृत्त का व्यास मतलब 2R और वर्ग का विकर्ण मतलब a√2, इन दोनों का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। ये पूछ रहा है वृत्त के व्यास और वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण a√2 ही तो होता है, तो उन दोनों का अनुपात क्या है। तो कहीं से भी अगर मेरे पास आर और ए के वैल्यूज आ जाएंगे तो मैं यहां रख दूंगा, बस काम चल जाएगा हमारा। चलो शुरू करते हैं। यहां से मैं बोलना चाह रहा हूं कि पाई आर स्क्वायर आप भी देखिए बराबर ए स्क्वायर हो गया, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं, अनुपात में पढ़ेंगे आप, आर स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर बराबर 1 अनुपात पाई। देखिए मैं बता देता हूं, जब भी चीजें बराबर होती हैं तो ये अनुपात उल्टा हो जाता है। क्यों? ये अनुपात में पढ़ेंगे, एक बार वापस समझ लो। पाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तो आर स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर बराबर 1 अनुपात पाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या यहां से मैं ये कह सकता हूं कि आर अनुपात ए मतलब दोनों का वर्गमूल कर लिया तो 1√π हो गया, ऐसा कह सकते हैं क्या? और बेटा यहां ये मान रख देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये कह रहा है 2, R का मान है 1 और ये मैंने लिखा A का मान √π और √2। अब बेटा √2 से जब आप 2 को काटोगे तो ये √2 आ गया, तो क्या ये अनुपात √2 अनुपात √π का हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक बार देखना आप, समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखना तो पता लग जाएगा, सरल और अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। बेटा इस वीडियो के साथ वृत्त की क्लासेस पूरी हो जाएंगी, इसके आगे हम लोग अब चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपके लिए चतुर्भुज लेकर आता हूं। 21 नंबर का प्रश्न करते हैं, 21 नंबर का प्रश्न है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। तो बेटा आप भी अब जैसे ही मैं इस प्रश्न को यहां हल करना शुरू करूं आप भी मेरे साथ बोलने का प्रयास करो, कोशिश करो कि आप उत्तर बता पाओ। इसने बोला एक अर्धवृत्त है ये मैंने बना दिया जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ये पूछ रहा है इसका परिमाप बताओ। तो क्या अर्धवृत्त का परिमाप मैंने आपको सिखा रखा है? आप बोलेंगे सर पाई आर प्लस 2R, आपने ऐसा समझाया था। ठीक है, पाई आर प्लस 2R होता है, तो पाई आर क्या हो गया 22/7 गुणा 28 पाई आर, और प्लस 2R क्या हो गया 2 गुणा 28, मान रख दिया इसमें 7 4 28, इसको हल करेंगे तो 88 प्लस इसको हल करेंगे तो 6, तो फिर कुल मिलाकर परिमाप कितना हो गया बेटा? इसका परिमाप कितना हो गया? इसका परिमाप हो गया 8 और 6 14 से 4 और 6 144 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ठीक है, अर्धवृत्त का
त्रिज्या दे रखी थी और परिमाप पूछा, तो केवल सूत्र में रखते ही माना गया। देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो 15 चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? ठीक है, अब ऐसा प्रश्न मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझा दिया है, दो प्रश्न तो मैंने वहां करवा दिए, और उससे पहले जब हम वृत्त का दूसरा कंसेप्ट पढ़ रहे थे, दूसरा वीडियो देख रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपको चक्करों के बारे में बताया। मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि एक चक्कर का मतलब परिधि होता है, और यह बोल रहा है कि 15 चक्कर में उसके द्वारा कितनी दूरी तय होगी। तो बेटा परिधि का मतलब एक चक्कर हुआ, और एक चक्कर को अगर मैं 15 से गुणा कर दूंगा तो 15 चक्करों की दूरी आ जाएगी, तो बहुत छोटा सा काम है। आप बोलेंगे 2 पाई आर लिखते हैं ना, 2 × 22/7, इसकी त्रिज्या हो गई 7, 2 पाई आर × 15, 7 से 7 खत्म हो गया, और 15 × 2 = 30, 660 सेंटीमीटर की दूरी तय हो गई 15 चक्कर में। ठीक है, केवल सूत्र में मान रखना था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देखिए 2D आकृतियों के समापन की तरफ है हम लोग। अब आगे जैसे ही हम लोग घन घना पढ़ने लगेंगे तो आयतन की चर्चा भी शुरू हो जाएंगी। अभी तक आयतन हम लोगों ने काम में नहीं लिया, क्योंकि 2D आकृतियों में आयतन होता ही नहीं है। अब इसने कहा किसी दीवार घड़ी की, किसी दीवार घड़ी की 7 मीटर लंबी, 7 सेंटीमीटर, माफ कीजिए 7 मीटर ज्यादा लंबी हो जाएगी, किसी दीवार घड़ी की 7 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई, मिनट की सुई 6 मिनट के अंतराल में कितने क्षेत्र को संस्पर्शित करेगी? आप में से कई बच्चों को डिस्क्रिप्शन का नहीं पता होता है कि डिस्क्रिप्शन कहां है। कई बच्चों ने फोन करके मुझे पूछा कि सर ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो बेटा वीडियो का जो टाइटल है, जो नीचे लिखा हुआ है इस वीडियो में कि वृत्त के प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये जो प्रश्न मैं समझा रहा हूं ये प्रश्न आपके फोन में ही PDF के रूप में सेव हो जाएंगे, तो आपको बार बार ऐसे तकलीफ उठाने की समस्या नहीं होगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनो। इसने कहा किसी दीवार घड़ी की 7 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई है। बेटा ये लो, ये मिनट की सुई है 7 सेंटीमीटर लंबी। अब ये कहा गया कि 6 मिनट के अंतराल में, तो 6 मिनट में तो ये इतनी चली होगी, अपनी जगह से इतना ही तो चली होगी, तो ये पूछा जा रहा है आपको कि 6 मिनट के अंतराल में इसने जो एरिया कवर किया उसका क्षेत्रफल बताओ, ये पूछा गया आपसे। समझ गए आप मुझे बताइए कि अगर ये पूरा घूम जाती तो ऐसे आती क्या? बिल्कुल आती। आप मान लीजिएगा ये तो कच्चा चित्र है, ये बीच से शुरू होनी थी, तो मैं कह रहा हूं कि ये पूरा आना चाहिए था, पर 6 मिनट में ही पूछा, तो क्या ये त्रिज्याखंड बन गया? अब मुझे इस सेक्टर का नहीं पता कि ये थीटा कितने डिग्री का बन रहा है, तो आप जानते हैं कि मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है,
एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 मिनट में 36 डिग्री का कोण हो गया, तो ये 36 डिग्री हो गया। बस अब बड़े आराम से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो मेरे साथ एक बार सेक्टर का क्षेत्रफल बोलो। पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे पाई आर स्क्वायर, और फिर गुणा थीटा बटा 360 करके उसका हिस्सा निकाल देंगे। तो यहां से मैं बोलूंगा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, चूंकि इसकी त्रिज्या 7 ही है, और गुणा 36/360। 7 से 7 कट गया, 36 से 360 10 बार कट गया, तो ये हो गया 154/10, या फिर मैं बोलूंगा 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 23rd क्वेश्चन हो गया है। 23 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, 13 प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए थे, और 10 प्रश्न अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अभी और अभ्यास जारी है हमारा। आप याद रखिएगा, ये जो मिनट की सुई घंटे की सुई का प्रश्न आता है, मिनट की सुई का प्रश्न आए तो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण, और घंटे की सुई का आए तो एक मिनट में आधा डिग्री का कोण, तो इससे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 24th क्वेश्चन की। 23rd कर लिया हम लोगों ने, 24th की बात करते हैं। एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है, एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है, 352 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क को घेरे है। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या है? सड़क का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, आराम से सुनो। इसने कहा एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी परिधि 352 है। आराम से देखना, इसकी परिधि 352 है। ठीक है, फिर इसने क्या बोला? इसके बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो इस सड़क का एरिया आप लोगों को निकालना है। ये 7 मीटर चौड़ी है, सड़क का एरिया आपको निकालना है। तो क्या ये वलय नहीं है क्या? बिल्कुल वलय है, पर वलय करने से पहले अंदर वाले वृत्त की परिधि आपको 352 दे रखी है, तो पहले उसको हल कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का पहला चरण देख लो। ये कहेंगे कि 2πr बराबर 352, ऐसा ही कहेंगे। अब 2πr बराबर 352 हो गया, तो r बराबर क्या? 352 बटा 2π, मतलब 2 × 22/7 ऊपर चला गया। समझ रहे हैं? 11 से इसको काटा तो 11 × 33 और 11 × 22, और इसको काटा तो 2 बार, 11 × 33 2 बच गए, 11 × 22। ठीक है, और 4 से इसको काटा तो 8 × 4 = 32, तो r बराबर 56 हो गया मीटर, 56 मीटर। अब आप मुझे बताइए, क्या r का मान 56 मीटर आ गया क्या? और क्या ये 56 और 7 = 63 हो गया क्या? बताइए, हो गया क्या? बिल्कुल हो गया है। तो अब वलय के क्षेत्रफल का सूत्र लगाइएगा। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? वलय का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। तो आप बोलेंगे 22/7, आर प्लस आर जब आप करेंगे तो 63 और 56 को आप जोड़ना चाहेंगे, आर माइनस आर करेंगे तो 63 में से 56 घटाएंगे। तो यह 22/7 गुणा ये हो गया 119, और गुणा 7, 7 से 7 खत्म हो गया, और 119 को जब आप 22 से गुणा कर रहे, ठीक है यही होगा, 7 से 7 खत्म हो गया, इसको जब गुणा करेंगे तो 238 हो जाएगा। आप कर लेना धीरे धीरे गुणा, 8 और 3 = 11 से 1, 6 और 2, 2618 मीटर स्क्वायर इस सड़क का क्षेत्रफल हो गया। देखिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, आराम से समझिए। इसकी परिधि दे रखी है तो पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे।
इसकी त्रिज्या 56 आई, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है तो वो त्रिज्या 63 हो गई, देन कैपिटल आर तो 63 हो गया, स्मॉल आर 56 हो गया, और ये वलय का सूत्र है, इसमें मान रखते ही आपका उत्तर आ जाएगा। तो मैं वापस एक बात कहूंगा, कितनी बार मैंने आपको कहा है क्या कि ये प्रश्न करने से पहले आप पहले वृत्त के कंसेप्ट का वीडियो देखें, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन अगर आप साथ रखते हैं तो आप और भी मजबूत बनेंगे इस काम में, ठीक है। तो 25th क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। इसने कहा वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल तो ए है, कैपिटल ए है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो आर है, एवं परिधि जो है वो सी है, ठीक है। तो इनमें से क्या सही है ये आपको बताना है। ए सी बटा ए बराबर आर बटा दो, बी ए सी बराबर आर स्क्वायर बटा चार, सी ए बटा आर बराबर सी, और डी आर सी बराबर टू ए, ठीक है। इनमें से क्या सत्य है? तो बेटा इसने बोला कि क्षेत्रफल बराबर तो ए है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए बराबर पाई आर स्क्वायर? आप बताओ, इसने बोला क्षेत्रफल बराबर ए है तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया, क्या ये हो गया समीकरण एक, ठीक है। फिर परिधि बराबर सी है तो क्या सी बराबर मैं टू पाई आर कह सकता हूं, क्या ये हो गया समीकरण दो। अब आपको कुछ नहीं करना, बस समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दे दो, तो ये क्या हो गया, भाग देंगे तो क्या हो गया a बटा तो c हो गया, और बराबर पाई से पाई खत्म हो गया, r से r खत्म हो गया, तो r बटा दो हो गया, और जब आप इसको वज्रगुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा आर सी बराबर टू ए, आर सी बराबर टू ए कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ में, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। सरल प्रश्न है, चूंकि समय ज्यादा लग गया है तो मैं अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको दोबारा देखना है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मैं चलता हूं 26th क्वेश्चन पर, अभी भी दो तीन प्रश्न बताने के लिए हैं मेरे पास, तो आप देखते जाइए। 26 प्रश्न में कह रहा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल, दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:7 है, तो त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात क्या है, ये आपका प्रश्न है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:7 है तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो बेटा क्षेत्रफल का अनुपात कितना बताया बताइए, क्षेत्रफल के बारे में आपने बोला 4:7, तो बहुत बार मैंने आपको बता दिया है वृत्तों का तो सीधा काम है बेटा, तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 2:7। क्षेत्रफल जब भी करते हैं तो वर्ग कर लेते हैं, त्रिज्या वगैरह जब क्षेत्रफल से निकालेंगे तो वर्गमूल कर लेंगे। मैंने आपको एक संबंध समझा रखा है कि दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, तो यदि त्रिज्याएं ए अनुपात बी में हैं तो फिर व्यास भी ए अनुपात बी में होंगे, तो परिधि भी ए अनुपात बी में होंगी, क्षेत्रफल जो है ना वे वर्ग हो जाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाते हैं। तो यहां क्षेत्रफल ही दे रखा है मतलब वर्ग रखा है, त्रिज्या निकालेंगे तो वर्गमूल कर लेंगे, ठीक है। 26th क्वेश्चन नंबरिंग शायद डिस्टर्ब हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, देखना। किसी वृत्त का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, अच्छा प्रश्न है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है,
तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें यदि सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसने कहा एक वृत्त है, ये रहा, दो से केंद्रीय वृत्त इसको 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। मान लीजिए थोड़ा ठीक से नजर आए आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक वृत्त तो ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया। आराम से मेरी बात सुनना, एक वृत्त है उसमें आप दो से केंद्रीय वृत्त बनाएंगे तो ये 3 बराबर क्षेत्रफलों में बंट जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन वृत्तों का क्षेत्रफल लिख लेना है। इन वृत्तों को मैं नाम दे रहा हूं, ब्लैक वृत्त बड़े वाला, ग्रीन वृत्त जो बीच में है, और फिर रेड। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेटा अगर ये एरिया एक है, अगर ये एरिया एक है, अगर ये एरिया एक है, तीनों बराबर हैं, तो आप मुझे बताइए ब्लैक वाला जो वृत्त है क्या उसका एरिया 3 हो गया क्या? एक एक और एक, क्या 3 हो गया क्या? और ग्रीन वाला जो वृत्त है क्या उसका एरिया 2 हो गया क्या? और रेड वाले का 1 हो गया क्या? तो ये तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया बेटा, क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। तो क्षेत्रफल का अनुपात है तो त्रिज्या का अनुपात आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। क्षेत्रफल को वर्गमूल करेंगे, √3 / √2 / 1, ये लीजिए, ये त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। अब इसने बोला सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है, तो बड़े वृत्त के नीचे मैं लिख देता हूं 6, और सबसे छोटे की निकालनी है तो यहां लिख देता हूं x, और क्रॉस कर देते हैं इसको, तो ये हो गया √3x = 6। तो x बराबर हो गया 6/√3, और जब आप इसको आगे हल करेंगे ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 2, तो x का मान आ गया 2√3। तो बेटा ये आपके सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, रेड वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी थी, रेड वाले की आपको पूछी थी। दोबारा समझा देता हूं, ये तीनों क्षेत्रफल चूंकि बराबर है तो 1:1:1 में हो गए। इनको मैं अलग अलग नाम दे लेता हूं, सबसे बड़ा वृत्त हो गया ब्लैक, फिर हो गया ग्रीन, फिर हो गया रेड। तो मैं आपसे पूछूं ब्लैक का एरिया क्या है, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, ग्रीन का एरिया क्या है तो 1 + 1 2 हो गया, और रेड का एरिया 1 हो गया। तो ये इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, त्रिज्या में बदलेंगे तो उनका वर्गमूल कर लेंगे। इनमें से एक त्रिज्या दे रखी है, दूसरी पूछिए, क्रॉस करते ही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 27th और 28th, जाने कौन सा नंबर है, नंबर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है तो आप देख लेना। ठीक है, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर, तथा व्यास का अंतर 30 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करें। ये पूछा गणित में लिख दो। इसने बोला किसी वृत्त की परिधि 2πr और व्यास 2r, इन दोनों का अंतर जो है वो 30 है। ओके बेटा, तो यहां से पता लगेगा सर 2r तो कॉमन आ गया, 2r कॉमन आ गया तो कौन बचा, यहां बचा पाई, यहां बचा 1 = 30 हो गया। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि 2 से इसको काट दिए तो ये 15 बचा। यहां से मैं बोलूंगा आर 22/7 - 1 = 15, तो इसको और हल करेंगे तो आर गुणा ये हो गया 15/7 = 15, 15 से 15 खत्म हो गया, 7 इधर आया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो केवल जो उसने बोला उसको बस गणितीय सूत्रों में रख लीजिए, आगे हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इन 4 वीडियोज में मैंने वृत्त का पूरा अध्ययन आपको करवा दिया है।
बेटा अब कई बार क्या होता है कि हम घर बैठकर विचार करते रहते हैं कि हमें आ जाएगा, हम कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। इन स्थितियों में जो बच्चे होते हैं वे कदापि सफल नहीं हो पाते। सहने सहने आप इसको पढ़ते जाइए, कॉपी बनाइए, अच्छे से याद कीजिए। आपने कई बार ये कहानी सुन रखी है कि तेज तर्रार खरगोश भी दौड़ हार गया और जो धीरे चल रहा था पर लगातार चल रहा था वो कछुआ जीत गया। तो आप जिस उम्र के बच्चे हैं उनको ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं होती है, आप खुद अच्छे से सारी चीजें समझते हैं। तो बस मैं संक्षेप में आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि कॉपी बनाइए, सारे प्रश्न लिखा करें, उनके उत्तर किया करें, नहीं आए दोबारा चेक किया करें, 7-8 दिन बाद वापस वे प्रश्न करके देखें। अगर आपने 3 बार इस तरीके से प्रश्नों को कर लिया है तो वे चिरस्थायी हो जाएंगे आपके पास, हमेशा आपके पास रहेंगे। शेष चर्चाएं हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। क्षेत्रफल और आयतन की अगली क्लास में मैं आपको चतुर्भुज पढ़ाना शुरू करूंगा। तो अभी तक मैंने आपको 2D आकृतियों में त्रिभुज पढ़ा दिया है, आयत पढ़ा दिया है, वर्ग पढ़ा दिया है और अब वृत्त पढ़ा दिया है। तो चतुर्भुज की बात अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।